हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई ज्योति का सुरेडिया। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सुबह करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनुसूचिया, जिसमें मैं आपको अनुसूचिया करवाऊंगी और अनुसूचियों से एक से दो क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक का नाम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्लास हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल आज हमारी क्लास है पॉलिटिकल साइंस, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स अनुसूचिया। जिस प्रकार अनुसूचिया यानी लिस्ट, अनुसूचिया यानी लिस्ट या शेड्यूल, शेड्यूल बोल सकते हो, अनुसूचिया यानी लिस्ट या शेड्यूल, जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है और किसी भी घर को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए संविधान के रूप में नियम लिखे गए। संविधान रूपी किताब में नियम, बहुत से नियम लिखे गए और नियमों के द्वारा हमारा देश चला जाता है। उसी प्रकार संविधान को हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते, यानी बहुत ज्यादा नियम लिखे गए, उनको बारीकी रूप से नहीं पढ़ सकते। इसलिए बारीकी रूप से संविधान को पढ़ने के लिए अनुसूचिया बनाई गई, और हमारे हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान का निर्माण हो चुका था। और हमारे देश के संविधान को कब लागू किया गया? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को बनाया गया था। आगे देखिए, 1950 जब हमारे संविधान लागू हुआ था, उस समय कुल अनुच्छेद आते, कुल अनुच्छेद थे आपके 395, कुल सूचियां थी आपकी 8, और कुल भाग थे 22। और वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। फर्स्ट अनुसूची है हमारी अनुसूची फर्स्ट में है राज्य संघ। भारत कैसा है? भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कितने कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं और 9 यूटी है, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी बने, ठीक है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और कब पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में वर्तमान जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कुल कितने भाग थे? 12। वर्तमान में 465 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया? संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए इसे संघ के राज्य क्षेत्र और उसके केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाता है। 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं। दो पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 यूटी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग से यूटी बनी, ठीक है। अनुसूची
अनुसूची सेकंड में आपके वेतन में भत्ते महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन और भत्ते। इस अनुसूची को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, अनुसूची दो में क्या है, वेतन और भत्ते मिलते हैं, और वेतन और भत्ते में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, और पैसे कैसे होते हैं दो नंबर के। इस प्रकार आप सेकंड अनुसूची को याद रख सकते हैं। थर्ड अनुसूची आपकी अनुसूची नंबर तीन आपकी जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते हैं, तो उनमें इसके बाद आएगी सप्त एवं प्रतिज्ञा, सप्त एवं प्रतिज्ञा जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए सप्त एवं प्रतिज्ञा। फोर्थ अनुसूची आपकी अनुसूची नंबर फोर अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी फोर्थ अनुसूची है। फर्स्ट अनुसूची, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अनुसूचियां। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय हमारे देश में कुल 395 अनुच्छेद थे, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 पार्ट थे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में, हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। फर्स्ट अनुसूची नंबर वन में है संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को यूटी बना गया, इसलिए 28 राज्य हो गए, पहले 29 थे और 9 यूटी होगी, पहले 7 यूटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड अनुसूची में आपके महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में क्या मिलते हैं, पैसे, और पैसे कैसे होते हैं दो नंबर के, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। थर्ड अनुसूची आपकी सप्तम प्रतिज्ञा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो सप्तम प्रतिज्ञा होती है वो थर्ड अनुसूची में आपकी डिस्क्राइब की गई है। फोर्थ अनुसूची आपकी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अकॉर्डिंग सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाता है। जिस प्रकार हरियाणा में राज्यसभा सीटें 5 है, उसी प्रकार सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी फोर्थ अनुसूची है। आपकी फिफ्थ अनुसूची है अनुसूची फिफ्थ में क्या है आपके एससी एसटी संबंधित नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी फिफ्थ अनुसूची है। एसटी एसटी अनुसूची फिफ्थ में क्या, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब संबंधी आपके नियम, ये आपकी 5 अनुसूचियां हैं। आगे करवाती हूँ मैं आपकी, आगे भी हमारी अनुसूचियां बची हुई हैं, आपको मैं करवाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, 5 अनुसूचियां मैं आपको करवा चुकी हूँ, और अनुसूची सिक्स में है आपके ATM स्केयर, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो राज्य है उसमें SC ST संबंधी नियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
संबंधी नियम। ठीक है फ्रेंड्स, एटीएम स्क्वेयर, एटीएम स्क्वेयर के द्वारा आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एटीएम असम आपका टी से होगा आपका त्रिपुरा, एम स्क्वेयर एम से आपका मेघालय और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूची सिक्स में क्या आपके एटीएम स्क्वेयर यानी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी नियम, इसमें आपके राज्य असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम आपकी सेवंथ अनुसूची है। अनुसूची सेवंथ में है क्या? सूची सेवन सूची सेवन सूची इस प्रकार पे याद रख सकते हैं, सेवन सूची। और जो सूचियां हमारे संविधान में ली गई हैं, कौन? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई है। 1935 के द्वारा अनुसूची भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो ली गई हैं भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ली गई हैं। और सूची सूची हमारी तीन प्रकार की सूची होती हैं। फर्स्ट आपकी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। सेकंड आपकी संघ सूची। सेकंड आपकी संघ सूची यानी सेंट्रल लिस्ट। थर्ड आपकी कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची यानी समवर्ती सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, जैसे राज्य सूची में वर्तमान में पहले, राज्य सूची में वर्तमान में पहले, राज्य सूची में जो हमारे संविधान में पहले, अब तो कितने विषय हमारे राज्य सूची में विषय हैं? 61, और पहले थे 66 और अब विषय हैं 61। उसी प्रकार संघ सूची में पहले विषय थे 97, अब हैं 101। ठीक है, 10 पहले 97 थे, अब हैं क्या? 100। उसी प्रकार हमारे समवर्ती सूची में पहले 57 विषय पर काम कर सकते हैं, अब हैं 52। राज्य सूची वे सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के विधानमंडल को होता है, उसे राज्य सूची। संघ सूची जिसमें सभी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, उसमें सेंट्रल लिस्ट। और संघ सूची और संसद कितने विषय पर कानून बना सकती है? 100, और पहले 97। समवर्ती सूची में संघ राज्य और केंद्र दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, लेकिन जिसका कानून ज्यादा प्रभावी होगा उसी का लागू होगा। इस प्रकार समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय हमारे 52 और पहले थे हमारे 47। समवर्ती सूची बात करें समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? बात करें समवर्ती सूची ली गई हमारे ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। और ये सभी तीनों सूचियां कहाँ से ली गई हैं? आपकी तीनों सूचियां कहाँ से लागू हुई हैं? आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए जो ये सूचियां आई है। आपकी आठवीं अनुसूची है अनुसूची एट में क्या आपकी अनुसूची एट में आपकी भाषाएं और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहले थी 18 भाषाएं, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। और वे भाषाएं कौन कौन सी है? बोर्ड मास फार्मूला पढ़ा होगा आपने 9th से 12th या 10th में। बोर्ड से आपका बोडो, बी से आपका डोंगरी,
डी से आपका डोंगरी भाषा, एम से आपका मैथिली। चलिए फ्रेंड्स, पांच अनुसूचियां मैं आपको करवा चुकी हूँ, और अनुसूची सिक्स आपकी, अनुसूची सिक्स में है आपके एटीएम, ए टी एम स्केयर, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो राज्य है उसमें एससी एसटी संबंधी नियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी नियम। ठीक है फ्रेंड्स, एटीएम स्केयर, एटीएम स्केयर के द्वारा आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एटीएम असम आपका, टी से होगा आपका त्रिपुरा, एम स्केयर एम से आपका मेघालय और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचित सिक्स में क्या आपके एटीएम स्केयर यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी नियम, इसमें आपके राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आपकी सेवंथ अनुसूची है। अनुसूची सेवंथ में है क्या, सूची सेवन, सूची सेवन, सूची इस प्रकार पे याद रख सकते हैं, सेवन सूची। और जो सूचियां हमारे संविधान में ली गई हैं, कौन, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई है, 1935 के द्वारा अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो ली गई हैं भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ली गई हैं। और सूची, सूची हमारी तीन प्रकार की सूची होती है, फर्स्ट आपकी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, सेकंड आपकी संघ सूची, सेकंड आपकी संघ सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, थर्ड आपकी कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची यानी कौन करंट लिस्ट, समवर्ती सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, जैसे राज्य सूची में वर्तमान में पहले, राज्य सूची में वर्तमान में पहले, राज्य सूची में जो हमारे संविधान में पहले, अब तो कितने विषय हमारे राज्य सूची में विषय हैं 61, और पहले थे 66 और अब विषय हैं 61। उसी प्रकार संघ सूची में पहले विषय थे 97, अब हैं 101। ठीक है, 10 पहले 97 थे, अब हैं क्या 100। उसी प्रकार हमारे समवर्ती सूची में पहले 57 विषय पर काम कर सकते हैं, अब हैं 52। राज्य सूची वे सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के विधानमंडल को होता है, उसे राज्य सूची। संघ सूची जिसमें सभी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, उसमें सेंट्रल लिस्ट और संघ सूची और संसद कितने विषय पर कानून बना सकते हैं 100 और पहले 97। समवर्ती सूची में संघ राज्य और केंद्र दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, लेकिन जिसका कानून ज्यादा प्रभावी होगा उसी का लागू होगा। इस प्रकार समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय हमारे 52 और पहले थे हमारे 47। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, बात करें समवर्ती सूची ली गई हमारे ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई। और ये सभी तीनों सूचियां कहाँ से ली गई, आपकी तीनों सूचियां कहाँ से लागू हुई हैं, आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए जो ये सूचियां आई है। आपकी आठवीं अनुसूची है,
अनुसूची 8 में क्या आती है? अनुसूची 8 में आपकी भाषाएं, अनुसूची 8 में आपकी भाषाएं, और हमारे संविधान में अनुसूची कितनी भाषाएं थी? पहले पहले थी 18 भाषाएं, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये भाषाएं कौन कौन सी है? बोर्ड मास फार्मूला पढ़ा होगा आपने 9th से 12th या 10th में। बोर्ड से आपका बोडो, बी से आपका डोंगरी, डी से आपका डोंगरी भाषा, एम से आपका मैथिली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई ज्योति का सुरेडिया। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सुबह करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचिया, जिसमें मैं आपको अनुसूचिया करवाऊंगी, और अनुसूचियों से 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे टॉपिक का नाम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस। आज हमारी क्लास है पॉलिटिकल साइंस, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स अनुसूचिया। जिस प्रकार अनुसूचिया यानी लिस्ट, अनुसूचिया यानी लिस्ट या शेड्यूल बोल सकते हो, अनुसूचिया यानी लिस्ट या शेड्यूल, जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है और किसी भी घर को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए संविधान के रूप में नियम लिखे गए। संविधान रूपी किताब में नियम, बहुत से नियम लिखे गए और नियमों के द्वारा हमारा देश चला जाता है। उसी प्रकार संविधान को हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते, यानी उसमें बहुत ज्यादा नियम लिखे गए, उनको बरीकी रूप से नहीं पढ़ सकते। इसलिए बरीकी रूप से संविधान को पढ़ने के लिए अनुसूचिया बनाएगी, और हमारे हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान का निर्माण हो चुका था। और हमारे देश के संविधान को कब लागू किया गया? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को बनाया गया था। आगे देखिए, 1950 जब हमारे संविधान लागू हुआ था, उस समय कुल अनुच्छेद थे आपके 395, कुल सूचियां थी आपकी 8, और कुल भाग थे 22। और वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। फर्स्ट अनुसूची है हमारी अनुसूची फर्स्ट में है राज्य संघ। भारत कैसा है? भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए संघ एवं उसके संघ के राज्य एवं संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं और 9 यूटी है, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी
बने, ठीक है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और कब पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में वर्तमान, जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कुल कितने भाग थे? 12। वर्तमान में 463 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या दिया गया? संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए इसे संघ के राज्य क्षेत्र और उसके केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाता है। 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं। दो पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 यूटी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग से यूटी बनी, ठीक है। सेकेंड अनुसूची आपकी, सेकेंड अनुसूची आपकी, अनुसूची, अनुसूची सेकंड में आपके वेतन एवं भत्ते महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन और भत्ते। इस अनुसूची को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। अनुसूची दो, अनुसूची दो, अनुसूची दो में क्या है? वेतन और भत्ते मिलते हैं। और वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते में क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। और पैसे कैसे होते हैं? दो नंबर के। पैसे कैसे होते हैं? दो नंबर के। इस प्रकार आप सेकंड अनुसूची को याद रख सकते हैं। थर्ड अनुसूची आपकी, अनुसूची नंबर तीन, अनुसूची नंबर तीन आपकी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते हैं, तो उनमें इसके बाद आएगी सप्त एवं प्रतिज्ञा, सप्त एवं प्रतिज्ञा, सप्तम, सप्तम प्रतिज्ञा, जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए सप्तम प्रतिज्ञा। फोर्थ अनुसूची आपकी, फोर्थ अनुसूची आपकी, अनुसूची नंबर फोर, अनुसूची नंबर फोर, और अनुसूची में आपके राज्य, राज्यसभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी फोर्थ अनुसूची है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी फोर्थ अनुसूची है। फर्स्ट अनुसूची, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अनुसूचियां। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो उस समय हमारे देश में कुल 395 अनुच्छेद थे। हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 पार्ट थे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में, हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। फर्स्ट अनुसूची, अनुसूची नंबर वन में है संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को यूटी बनाया गया, इसलिए 28 राज्य हो गए। पहले 29 थे और 9 यूटी होगी, पहले 7 यूटी थी, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड अनुसूची, सेकंड अनुसूची में आपके महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पद और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते में क्या मिलते हैं? पैसे, और पैसे कैसे होते हैं? दो नंबर के। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। थर्ड अनुसूची, थर्ड अनुसूची है आपकी सप्तम प्रतिज्ञा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो सप्तम प्रतिज्ञा होती है, वो थर्ड अनुसूची में आपकी डिस्क्राइब की गई है। फोर्थ अनुसूची आपकी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अकॉर्डिंग सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाता है। जिस प्रकार हरियाणा में राज्यसभा सीटें 5 है, उसी प्रकार सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश यूपी में है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी फोर्थ अनुसूची है, आपकी फिफ्थ अनुसूची है, अनुसूची फिफ्थ, अनुसूची फिफ्थ में क्या है आपके? SC ST संबंधी नियम, SC ST, SC ST, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, ST ST, SC ST, SC ST संबंधित नियम, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी फिफ्थ अनुसूची है, ST ST अनुसूची फिफ्थ, अनुसूची फिफ्थ में क्या है? SC शेड्यूल का, शेड्यूल
कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब संबंधी आपके नियम, ये आपकी 5 अनुसूचियां हैं। आगे करवाती हूँ मैं आपकी, आगे भी हमारी अनुसूचियां बची हुई हैं, आपको मैं करवाती हूँ।